बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई थी। विपक्ष की बैठक में उत्तर प्रदेश से अपना दल कमेरावादी के नेता हैं, सिराथू से विधायक भी हैं पल्लवी पटेल, वो भी वहां पे मौजूद थी। पल्लवी जी, बड़ी बैठक हुई, इंडिया नाम दे दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा? देखिए, 26 दलों की जो बैठक 2 दिवसीय बेंगलुरु में हुई, उसमें सभी दलों ने अपने आप को समाहित करते हुए विश्वास के साथ इस गठबंधन को एक बड़ा नाम दिया, इंडिया। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये नाम जो है इस देश के हर व्यक्ति की जबान पे चढ़ गया है, क्योंकि ये हमारे देश की बात करता है। और रही बात सीटों की बात, तो अभी इस मीटिंग का विषय ही था कि हम अपने आप को पहचान कैसे दें, वो पहचान हमको मिली। और आगे जिस प्रकार से घोषित हुआ है कि महाराष्ट्र में बैठक होगी, वहां पर ये निर्णय होगा कि इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, एक टीम करेगी या एक व्यक्ति विशेष करेगा। उसके बाद इस बात पे भी निर्णय बहुत, वहां की जितनी भी सहयोगी पार्टी है हमारी, उनका शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि सीटों की संख्या बंटवारे में किसके पास कितनी जाएगी। अखिलेश यादव ने क्या इच्छा जताई है क्या कि उनकी अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष चुनाव लड़े? देखिए, 2022 में हम अपने गठबंधन के बड़े भाई अखिलेश यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और हम सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन हमने 12% ज्यादा लोगों का विश्वास जीता है। और हम लगातार उनके मुद्दों को, चाहे रोजगार रहा हो, चाहे महंगाई रही हो, जातिवार जनगणना को लेकर के हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई है, वहां पर किसी भी दल ने ऐसा कोई बात नहीं रखी कि हमारे नेतृत्व में लड़ा जाए। हर व्यक्ति जो वहां पर बैठा था, हर शीर्ष नेतृत्व जो वहां बैठा था, वो सिर्फ इस बात को लेकर आशान्वित था। और ये बात थी कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए, जिसमें हम भी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को, जातिवार जनगणना को लेकर के हम इस बात को वहां पर दर्शा पाए। और ये तो हमारी बात ही रही, क्योंकि 2022 के एजेंडे में हम ये कह के लड़े थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। मायावती पर सबकी नजर थी, उम्मीद थी कि मायावती भी साथ आ सकती हैं, लेकिन मायावती ने आज क्लियर कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही हैं। आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में चुनौती होगा विपक्ष के लिए? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में होती है, और चुनौती के बगैर चुनाव कभी संभव नहीं होते। और जिस प्रकार से भी गठबंधन बन रहा है 2024 के चुनाव में, और 2022 में भी समाजवादी पार्टी अलायंस सबसे बड़ा विपक्षी दल था, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना दल और समाजवादी पार्टी का अलायंस सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में उतरेगा, और सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी को हम ही से होने वाली है। तो साफ है कि पल्लवी पटेल का कहना है कि जो इंडिया टीम बनी है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी भूमिका उसकी देखने को मिलेगी, और एनडीए को बड़ी चुनौती देते हुए ये लोग नजर भी आएंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ अनिश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।